हाउ टू इन्वेस्ट SBI म्यूचुअल फंड। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक भारद्वाज आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने आज की वीडियो में। मेरा आज का वीडियो म्यूचुअल फंड से जुड़ा है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप म्यूचुअल फंड में किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर आप सभी के लिए ऐसे यूजफुल वीडियो लाता रहता हूं जो आप सभी के लिए काफी काम के साबित होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। म्यूचुअल फंड के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, इससे जुड़ा एक वीडियो मैं अपने इस चैनल पर दे चुका हूँ, जिसमें मैंने बता रखा था कि आप किस तरह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन उस वीडियो के अंदर मैंने ICICI बैंक के थ्रू वो तरीका बता रखा था जिसके माध्यम से आप SIP में इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई है, उन्होंने मुझसे बोला कि सर आप एक ऐसा वीडियो बनाए जिसमें बिना ICICI बैंक के वो डायरेक्टली इंटरनेट के माध्यम से SIP यानी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकें। तो मेरा आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो SIP में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आज मैं आपको लाइव बताऊंगा कि आप किस तरह SIP में इन्वेस्ट कर सकते हो, और मैं आपको जिस फंड्स के बारे में बताने वाला हूं वो अभी हाल ही में दोबारा से ओपन हुआ है। वो एक ऐसा फंड है जिसने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है बीते सालों में, लेकिन किसी कारण से उसको बंद कर दिया गया था। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन सा फंड है और हम किस में इन्वेस्ट करेंगे। हम जिस फंड में इन्वेस्ट करेंगे वो फंड है SBI स्मॉल कैप फंड। ये फंड अभी हाल ही में 16 मई को लॉन्च हुआ है। हालांकि ये बहुत पुराना फंड है जिसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, मैं आपको इसका रिटर्न भी दिखा देता हूँ। देखिए बीते साल 2017 में इसने 77% तक का रिटर्न दिया है, और 2014 में इसने दिया था 110% तक का रिटर्न। लेकिन 2016 में इस फंड्स को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से इसने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया। तो हम इसी फंड्स में निवेश करेंगे और देखेंगे कि ऑनलाइन हम किस तरह इस फंड से निवेश कर सकते हैं। तो आपको अगर इस फंड्स के अंदर निवेश करना है तो इसके लिए आपको SBI की ऑफिशियल वेबसाइट यानी SBIMF.com पर जाना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको जूम करके इसका एड्रेस दिखा देता हूँ। इस साइट पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपना यहाँ अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको यहाँ सिंपल लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ आपको एक न्यू यूजर का ऑप्शन दिखाई देता है, आप यहाँ क्लिक करिए। यहाँ क्लिक करके आपको अपना पैन नंबर डालना है, आपको अपना ही यूजर आईडी डालनी है। यूजर आईडी आपकी ईमेल आईडी होती है, तो आप यहाँ अपनी ईमेल आईडी डालिए, यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालिए, देन एंटर पासवर्ड, और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड क्लिक करके सीधा रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आप इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तो आप यहाँ लॉगिन पे आए, लॉगिन पे आने के बाद आप यहाँ यूजर आईडी और पासवर्ड डालिए। तो यहाँ मैं अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डाल रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह इस SBI स्मॉल कैप फंड्स में निवेश करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ अपनी आईडी लॉगिन कर रहा हूँ। अब मैं लॉगिन हो चुका हूँ, मेरे सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, आपको के सामने भी कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ आपको ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देता है न्यू इन्वेस्टमेंट का, तो आप यहाँ क्लिक करिए। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने एक ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, न्यू ब्रोकर, लास्ट ब्रोकर और डायरेक्ट। तो हमें फिलहाल यहाँ किसी ब्रोकर की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ डायरेक्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम ये फंड डायरेक्ट करना चाहते हैं। अब मैं यहाँ से ऊपर ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आपको यहाँ नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको एक सर्च का बॉक्स दिखाई देता है, यहाँ आप उस फंड को सेलेक्ट करें जो जिस फंड की आपको SIP करनी है। तो मैं यहाँ SBI स्मॉल कैप फंड सर्च करूंगा। SBI ये देखिए इसने मुझे दिखा दिया SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। तो यहाँ मैं इसमें सेकेंड वाला ऑप्शन जो ग्रोथ वाला है इसको सिलेक्ट करूंगा। तो इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए हमारे सामने एक पॉपअप का मैसेज आया है जिसमें लिखा है कि आपको इसमें कम से कम 25,000 रुपये इन्वेस्ट करना होगा, यानी एक साल का आप इसमें केवल 25,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप उससे ज़्यादा का इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो फॉर्म होगा वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा, और जो आपको रिफंड होगा वो बिना किसी नोटिस के आपके बैंक अकाउंट पे
आपका रिफंड आ जाएगा। तो फिलहाल मैं इस बात का बिल्कुल ध्यान रखूंगा कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट हो वो 25,000 तक का ही हो या इससे कम का हो। तो मैं यहाँ से ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने ट्रांजेक्शन की डिटेल आ गई कि आप इसमें मंथली कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ देखिए मंथली दे रखा है, तो फिलहाल आप चाहें तो सिर्फ 500 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें जितना मर्जी इसमें कर सकते हैं, यानी 25,000 रुपये कम से कम, यानी आपको या 2,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हो तब जाके 24,000 रुपये एक साल का बनता है। तो आपके सामने ये एक मैसेज आ रहा है जिसमें आपको 500 रुपये कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जो हमारा नंबर इंस्टॉलमेंट है वो 12 महीने का रहेगा और यहाँ इन्होंने मंथली दे रखा है, आप यहाँ से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब यहाँ नीचे देखिए पेमेंट का ऑप्शन आ गया है, पेमेंट में आप वो अमाउंट यहाँ डालिए जो आप मंथली यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ 1,000 रुपये भर देता हूँ कि मैं 1,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करने जाता हूँ। अब देखिए यहाँ इसने मुझे ऑटोमेटिकली मेरा बैंक अकाउंट दे दिया है क्योंकि मैंने पहले से ही ICICI बैंक के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। तो आप यहाँ अपने अनुसार बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके आपके केस में यहाँ आपको बैंक सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा और यहाँ आपका अकाउंट नंबर होगा। इसके बाद आता है कि आप किस डेट से इस SIP को चालू करना चाहते हो। तो यहाँ मैं डेट सेलेक्ट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ एक डेट सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ मैं 20 तारीख कर देता हूँ कि 20 जून से जो मेरी SIP हो स्टार्ट हो। देखिए यहाँ डेट आ रही है कि आप कितने साल तक इस SIP को करना चाहते हो, यानी ये इसकी स्टार्ट डेट है, ये इसकी एंड डेट है। तो मैं इसको लाइफ टाइम के लिए करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ ये वाला जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। अब इस केस में आप इस SIP को कभी भी बंद कर सकते हो। अगर हम यहाँ कोई ईयर सेलेक्ट कर देते कि भाई हमें इस तारीख तक यानी इतने साल तक के लिए करना है, तो आपकी SIP ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी, तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो इसमें मैक्सिमम जितना भी रहेगा उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जब आपकी इच्छा हो तब आप इसको बंद कर सकते हो। तो आप यहाँ डेट अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं तो आपसे यही बोलूँगा आप इसको लाइफ टाइम के लिए करिए क्योंकि आप इसे कभी भी बंद कर सकते हो। ये सारी डिटेल्स हमने फिलअप कर दी है, अब हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं और देन सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने देखिए ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन ओपन हो चुका है, जिसमें हमारा नाम है, फोटो नंबर है, ब्रोकरेज टाइप दे रखा है, जो जो हमने डिटेल फिलअप कर रखी है वो सब डिटेल यहाँ आ चुकी है। अब सीधा मैं यहाँ कन्फर्म पे क्लिक कर रहा हूँ। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने एक और पेज खोलेगा। देखिए हमारे सामने थैंक यू फॉर बैंक भारतवर्ष का मैसेज आ चुका है, जो हमारा पोर्टफोलियो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुका है। लेकिन आपके केस में आपका नेट बैंकिंग का ऑप्शन आएगा, आपको वहाँ क्लिक करके पहले इसमें 1 रुपये की अमाउंट पे करनी होगी। जब आप वहाँ 1 रुपये की अमाउंट पे करेंगे तो आपका जो ये SIP है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, और जो वो 1 रुपये आपका आपके अकाउंट से कटने का सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। तो यहाँ मैंने अपना ICICI बैंक के थ्रू पहले से ही SIP में इन्वेस्ट कर रखा था, तो इसे डायरेक्टली मेरा ICICI बैंक से ये कनेक्ट कर दिया है विदाउट 1 रुपये काटे। लेकिन आपके केस में पहले आपको अपना 1 रुपये कटवाना पड़ेगा, वो भी अपनी नेट बैंकिंग के थ्रू। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू 1 रुपये कटवाइए, उसके बाद आपका अकाउंट वेरीफाई होगा और आपके सामने कुछ इसी तरह का मैसेज शो करेगा। तो देखिए हमारे सामने ये मैसेज आ चुका है और हमारा जो SIP है SBI स्मॉल कैप फंड्स पे वो चालू हो चुका है। तो इस तरह आप बहुत ही आराम से घर बैठे बैठे SIP में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको इन्वेस्ट करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो मैं आपको इनके कस्टमर केयर नंबर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये इनके कस्टमर केयर नंबर है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप इनके कस्टमर केयर नंबर पर बात करके पूरी हेल्प ले सकते हो, ये आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर आपको यहाँ से हेल्प ना मिले तो आप स्क्रीन पे देखे नंबर मुझे फ़ोन करिए, मैं भी आपकी पूरी सपोर्ट करूँगा आपका SIP चालू करवाने में। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि हर कोई इसी तरह घर बैठे बैठे ही SIP में इन्वेस्ट करना सीख सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।